दिखने में आपके साथ सही डॉग होगा तो आप भी ज्यादा सही लगोगे, थोड़ा फैंसी लगोगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गाड़ी सही हो बंदा सही लगता है। ना ना ना। आज हम लोग मैक्लोडगंज जा रहे हैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने, ये जानने के लिए कि जो चीजें हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं और जो चीजें हम लोगों को इम्प्रेस करती हैं, क्या वो दोनों समान है। और इस सोशल एक्सपेरिमेंट का सीधा सीधा ताल्लुक एक ऐसी डॉग से है जो मुंबई में काफी आलीशान जिंदगी जी है, और ये ताल्लुक आपको अंत में खुद ब खुद पता लग जाएगा। आप कभी सोचते कि आप कोई एनिमल घर पे लाइए स्पेशली डॉग? काफी किस तरह का पेट चाहेंगे आप, कैसा डॉग चाहेंगे? हस्की। हस्की के बारे में आपको ऐसी क्या चीज लगती है स्पेशल कि आप हस्की चाहेंगे घर पे? उसका कलर जो है और जो उसके हेयर्स होते हैं। तो आपको दिखने में बेसिकली हस्की पसंद है। हाँ। आप अडॉप्ट करोगे या खरीदोगे? अगर अडॉप्ट करने के लिए कोई मिले तो जरूर अडॉप्ट करेंगे। और उसमें आपको ये होगा कि बूढ़ा हो या पपी हो? मतलब छोटे ही लेंगे तो कुछ अच्छा लगता है। अगर बड़ा लेकर आएंगे तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव टू टीच लॉट ऑफ थिंग्स। अगर बेबी होगा तो हम टीच कर सकते हैं तो कैसे रखना है। पर हर किसी का ऐसा मानना नहीं है। टिम्सी को एक्चुअली घर की बहुत जरूरत थी। मैं अपने तरफ नहीं देखा कि मेरे को डॉग चाहिए था, एक्चुअली टिम्सी को घर चाहिए था उससे ज्यादा। और सीनियर डॉग्स आर मोर काम, उनके तरफ ज्यादा बेसिकली आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि वो खुद मैच्योर्ड है, उसको पता है क्या सही है। इनफैक्ट मैं आज घर पे काम कर रहा हूँ, रूम में भी नहीं है क्योंकि उसको पता है कि मैं काम कर रहा हूँ रूम में। ये तो था पराग जी का ओपिनियन। पर इससे पहले कि हमारे सोशल एक्सपेरिमेंट वाले लोग अपना ओपिनियन बदले, मैं झट से आपको टिम्सी की कहानी बता देती हूँ। सुनील जी टिम्सी को हमारे पास चैतड़ू से लाए थे। उसे वजाइना के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा घाव था जिसपे मैगट्स लगे हुए थे। उसको पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 2 महीने लगे, और उसके बाद जब समय आया उसके अडॉप्शन का तो उसके बूढ़े होने की वजह से उसे अडॉप्ट करने के लिए कोई आगे नहीं आया। फिर एक दिन पराग जी के साथ हमारी बात हुई। वो स्पेसिफिकली एक बूढ़ा डॉग अडॉप्ट करना चाहते थे। सिर्फ यही नहीं, पराग जी ने उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करके रखी थी। टिम्सी ने अपनी पूरी जिंदगी या तो सड़कों पे या केनल्स में गुजारी थी, बट फाइनली उसको ऐसा एक परिवार मिल ही गया जो उसका अंत तक साथ देगा। पराग जी की इज्जत हमारी नजरों में बहुत बढ़ गई है और हम तो उनसे फुल ऑन इम्प्रेस हो गए हैं। आइए ये देखते हैं कि बाकी लोगों को ये बात इम्प्रेस करती है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति हो जिसने 50,000 रुपए खर्च करके कोई बड़ा रॉटवाइलर लैब्राडोर खरीदा है, वो या कोई व्यक्ति है भाई जिसने पैसे खर्च करके कहीं से डॉग अडॉप्ट किया है और उसको घर दिया, तो आप दोनों में से किससे ज्यादा इम्प्रेस होंगे? अडॉप्ट करने वाले। ऐसा क्यों? स्पेशली उसको वो लेके आए कहीं से, मतलब जहाँ काफ़ी डॉग्स रहते हैं, मतलब वो कहीं से लेके आए होंगे उसको बचा के, या फिर किसी के पास परेशान हो वो, या फिर कोई छोड़ गया उसको, फिर शेल्टर से उठाए। ऐसा क्यों? मतलब ही इज डूइंग सम सोशल वर्क आल्सो। जिसने वो डॉग को उठाया जो शेल्टर में, उसकी मदद करना चाहता था। द सेकंड अडॉप्शन, सेकंड वाले से, द वन हु अडॉप्टेड द डॉग। ऐसा क्यों? बिकॉज ही इज मेकिंग हिज लाइफ मच बेटर। बिकॉज जो आप खरीद रहे हो वो ऑलरेडी ब्रीडर्स के पास अवेलेबल होता है, उनकी केयर तो हो रही है वहाँ पे। आप दोनों में से कौन सा बंदा होना चाहेंगे? थैंक यू। तो देखने में चाहे जो भी लगे, लोग दिखावे से नहीं इम्प्रेस होते, वो इस बात से इम्प्रेस होते हैं जब हम किसी और की जरूरतों को अपनी ख्वाहिशों से ऊपर रखते हैं। तो अगर हम यही बात पेट ओनरशिप पे अप्लाई करें, तो जब हम दिखावे के लिए किसी ब्रीडर से कुत्ता खरीद के लाते हैं, तो ना सिर्फ हम एक ब्रीडिंग जैसी क्रूअल प्रैक्टिस को सपोर्ट करते हैं बल्कि हम लोगों को इम्प्रेस करने में भी फेल हो जाते हैं। इससे अच्छा क्यों ना हम डॉग्स को अडॉप्ट करें। इससे एक डॉग को प्यार मिलेगा, घर मिलेगा और हमें भी समाज में सम्मान मिलेगा।